थक गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से हैं। आज हम घुरे जा रहे हैं, मेरे साथ युसरा जा रही है, पहली बार ये मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है। हम लोग वहाँ स्टे करेंगे आज नाइट को, कल इंशाल्लाह वापस आएंगे। पूरी जर्नी जो है आज की आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं सीधे मोटरसाइकिल पे। वेलकम बैक। जी चलो जी, हो गया गुरेज का जो सफ़र शुरू। तो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि हम लोग ना बाप बेटी निकल जाएंगे ऐसी राइड पे जिससे इसको मदद मिल सके कि कैसे क्या करना है। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि गुरेज बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वेदर है, हाई अल्टीट्यूड है, पास को क्रॉस करना है और डिफरेंट वैली है। युसरा का हम कह सकते हैं कि डे फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है इसका। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में फिर तो ये साथ ही होगी इंशाल्लाह। तो आज है शुरुआत हमारे नए सफ़र की, जिसका मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। ना तो युसरा इससे पहले मोटरसाइकिल पे इतनी दूर गई है और ना ही मैंने पिलियन लेके इतना, मतलब वो भी छोटा कम उम्र का पिलियन लेके निकलना। हम दोनों के लिए ये कहीं नई एक एक्सपीरियंस होगी और नई एक चीज़ जो है वो ऐड हो जाएगी अपनी राइडिंग एक्सपीरियंस में। बिना किसी जल्दबाजी के या अपने राइडिंग वाले स्टाइल में नहीं चलेंगे आज, आज थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में हम चलेंगे। तो यह है जी लाल किला मोड और यहाँ की खूबसूरती का क्या कहना है। अफरवट पीक्स वहाँ से दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ये वैसे इस सीजन का मेरा पहला ट्रिप है गुरेज वैली की तरफ। सीन्स कितने खूबसूरत हैं, है ना? आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी, आप एंजॉय कर रहे हो? ओके सो गाइज, हम लोग पहुंचे हैं पहला व्यू पॉइंट जो बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब यहाँ से बांडीपोरा के नज़ारे नेक्स्ट लेवल के होते हैं। तो युसरा भी, आपने एंजॉय किया? युसरा ने भी एंजॉय किया। मतलब मुझे डर था कि कहीं ये मुझे शिकायत ना करे कि मैं थक रही हूँ ना, बिल्कुल सही से। और ये अपना शेरा आज तक तो बेचारे ने कभी धोखा नहीं दिया और आई होप कि आज भी धोखा नहीं देगा। ये पानी जो जाता ना नीचे, ये है वो किशन गंगा का पानी। और हमारा मकान वहाँ है, दिखता है वो वहाँ पे आया आइडिया। ठीक, तो वहाँ से जाके फिर वो है मार्केट, वो है आम शरीफ साइड और ये है मादरी गांव वाला साइड। हाँ, शाबाश शाबाश, गियर अप फास्ट। ग्यारह 45 हो गए और हमने अपनी चाय ख़त्म कर दी। इनफैक्ट मैंने आज मैगी भी खा ली युसरा के साथ पहली बार। तो अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। अभी हम निकलते हैं राजधान की तरफ। तो आज हम रुक रुक के चलेंगे, आप लोग के साथ सारे सीन्स शेयर करेंगे। मिलते हैं सीधे मोटरसाइकिल। राजधान पास की तरफ हम लोग जा रहे हैं और हल्की फुल्की सर्दी जो है वो शुरू हो गई है। ये तो अक्सर यहाँ होता ही है, अगर आप अगस्त में भी आओगे तब भी आपको राजधान पे अच्छी खासी ठंड मिलेगी। ये जी हम लोग पहुँचे हैं नज़दीक बिल्कुल गेटवे ऑफ कश्मीर। इसको कहते हैं गेटवे ऑफ कश्मीर, क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ कश्मीर, गेटवे ऑफ कश्मीर। मतलब जब वहाँ से लोग आते थे ना सिल्क रूट में ट्रेड के लिए, तब यहाँ इन्होंने रखा था नाम इसको गेटवे ऑफ कश्मीर। मतलब यहाँ से वो समझते थे कि यहाँ से कश्मीर स्टार्ट होता है, वहाँ से गुरेज वैली। ठीक है, ये देखो यहाँ जब हम क्रॉस करते हैं ना, ये देखो सीन्स बिल्कुल बदल जाते हैं। राजधान पास है वो, ठीक है, जहाँ हमने वहाँ से जाके क्रॉस करना है। तो जितना हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं पेड़ वगैरह वहाँ नहीं होते हैं। ठीक है, 11,000 ऑल्टीट्यूड तक हल्के फुल्के पेड़ होते हैं, लेकिन जो ही 11,000 से ऊपर हम चले जाते हैं तो वहाँ पेड़ जो है नहीं मिलते। ये देखो आप यहाँ की ब्यूटी क्या है, इस साइड में है फॉरेस्ट, इस साइड में कुछ नहीं है। ये जी चेक करें व्यूज कितने खूबसूरत है, आहा माशाल्लाह। वो देखो वह है वुलर लेक, कितना बड़ा है। ठीक है, वो है सोपोर वगैरह, बादल कितने खूबसूरत दिखते हैं। तो इसको कहते हैं पीर बाबा, ठीक है, पीर बाबा की जियारत है यहाँ पे। तो जी हमारा सफ़र राजधान अभी 4 है और दावर 44 है, अभी चकवाली 100 किलोमीटर। ओहो माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत सीन्स, खूबसूरत, वाह। ये देखो, हाँ
अभी स्टार्ट हो गया, हम राजस्थान पे चल रहे हैं अभी। देखा मैंने आपको बताया ना, जो ही हम ऊपर जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे तो पेड़ वगैरह जो है वो कम होते जा रहे हैं। आपको मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? राजस्थान की ये खासियत है कि बंदा कितना भी थक चुका होगा ना, राजस्थान पास पे पहुंचेगा तो इतना रिलैक्स फील करेगा कहने की बात ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी राजस्थान पास की ये है कि यह कश्मीर के सबसे जितने भी 5 पासेज हैं उनमें से सबसे खूबसूरत तरीन पास राजस्थान वाला पास है। ये जो टाइल्स लगे हुए हैं ना, ये पूरे मोटरसाइकिल के शॉकर्स की बैंड बजा देता है। तो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स का यही मज़ा है कि आप बिल्कुल फील नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपको पता चलता होगा कि कितना बम्पी रोड है, लेकिन मैं बिल्कुल फील नहीं कर रहा हूँ। यही खूबी है हिमालयन की कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। इसमें बंदा न बोर हो जाता है, न इस पर थक जाता है। बाकी सीन्स यार माशाल्लाह खूबसूरत तरीन है। और हम चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। गोप्रो मैंने ऑन रखा है इसलिए कि आई एक्सपेक्ट कि आज नंगा पर्वत दिखे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता क्योंकि उस साइड में पूरा जो है बादल ही बादल है। हाँ है वो नंगा पर्वत, वो जो बाउल टाइप का बना है ना उसके बीच में पड़ता है नंगा पर्वत, लेकिन आज बादलों की वजह से दिख नहीं रहा है। ओकेजनली वो दिखता है, कभी बार बार आपको नहीं दिखेगा। मुकदर में होना चाहिए, किस्मत में होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल होता है ये चीज़ें। इसरा को लगी है प्यास, अभी हम जूस पी रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं ऐसी खूबसूरत वादी में। टाइम हो गया जी 12:30 और अभी लगभग हमें और 25 किलोमीटर जाना है दावर तक। बहुत टाइम लग सकता है अभी, बहुत टाइम अभी लग सकता है, लेकिन हम लोग एंजॉय करते करते जाएंगे। एंजॉय कर रहे हो? थक तो नहीं गए हैं? मज़ा आ रहा है कितना? चलो जी ठीक है। वो देखो जो रोड है ना, वो वहाँ से हमें जाना है। अभी ये वाला सारा पैच हमें डस्टी मिलेगा। तो हम लोग पहुँचे हैं जड़खुसी। तो आज हमें चांस मिल रहा है नए वाले ब्रिज को क्रॉस करने का, ठीक है, पहली बार। तो हमें याद है कि जब हमने अप्रैल में किया था माइनस टेम्परेचर में इसको क्रॉस, तब ब्रिज नहीं बने थे, ना ये ना आगे वाला। वो राइड उस दिन हमें 12 घंटे लगे थे बांडीपोरा वापस पहुंचने में। तो आज तो उसके मुकाबले में भाई कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है गुरेज जाना। अगर किसी को याद है वो वाटर क्रॉसिंग, वो कमेंट्स में बताएगा। ये दही नाले वाली क्रॉसिंग, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। तो दही नाला हमने क्रॉस किया और आगे भी यही फटा पुराना रूट जो है, रोड जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हम बाप बेटी जो है सैडल भी बहुत पैच को किए हैं, उस गाड़ी को हटाना। रानी उठो, सैडल करते हैं, सैडल करते हैं इसका, इसको लेना साइड। उठो मज़े भाई, सैडल में भी मज़े है, प्रैक्टिस हो रही है यूसरा को सेडलिंग में, साथ साथ सेडलिंग करने में। साइड का पहला गांव करकबल जिसको कहते हैं, गुरेज वाले साइड का पहला ही गांव। राइट साइड से जाते हैं हम दावर और लेफ्ट से जाते हैं बगतोर तारबल। तो वो जो आपको वहां मिट्टी दिखती है वहां से निकलता है किशन गंगा रिवर। सो गाइज हम लोग पहुँचे हैं कंजलवन। ये है जी किशन गंगा, जिसको चंद किलोमीटरों के बाद ना इसका नाम चेंज हो जाता है और ये पाकिस्तान वाली टेरिटरी में घुस जाता है। वहाँ पे इसका नाम नीलम, दरियाई नीलम पड़ता है। सो गर्मी अच्छी खासी है, जो अंदर से ना मैंने गर्म वाले लाइनर्स लगाए थे उनसे मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी।
और यूसरा भी फील कर रही थी गर्मी। इसको मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा पहनाए थे क्योंकि मुझे पता था इसको राजदान पे ना सर्दी लगने वाली है। जैसे मुश्को वैली है, मुश्को बाय द वे मुश्को का रास्ता यही जाता है लेकिन आगे चक वाली के बाद बंद है, इसलिए फील्स सेम आ रहे हैं। जी डैम साइट आप देख सकते हो, पानी निकल रहा है, कितने फोर्स से निकल रहा है और कितना खूबसूरत दिखता है वो वहाँ पे। यही है डैम, यहीं से पानी जाता फिर हमारे साइड में, वो प्रोजेक्ट का पानी है ना, वो यहीं से जाता है वहाँ। हम भी तो इस प्रोजेक्ट के पार्ट रहे हैं 4 साल, लेकिन यहाँ पे नहीं, बांडीपोरा में TBM साइट पे हमने 4 साल का योगदान दिया है। ये देखो मेल्ट, वाह 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 वाह, वो जो है ना वहाँ वो बना है गेट, उसी गेट को उठा के वो फिर पानी छोड़ते उधर। वाह जी खूबसूरत माशाल्लाह। अब फील ज़रा डिफरेंट, ज़रा नज़ारे ना देखें चेंज हो गए हैं। और इस रोड पे हम तब भी चले हैं जब तो ये मतलब उसको तब रोड नहीं कहा जा सकता था, वहाँ से एक रोड जाता था, वहाँ से भी हम एक दो बार गए हैं। उसके बाद जब डैम बना तो यहाँ शिफ्ट हो गए हम। इनफैक्ट तब भी गुरेज आया करते थे बाइक्स पे जब यहाँ नेटवर्क नहीं हुआ करता था, स्टे नहीं हुआ करता था और खाने पीने के लिए ना कुछ नहीं मिलता था, कोई होटल वगैरह नहीं हुआ करता था। वैसे एक चीज़ है कि यहाँ पे अभी ना कैंपिंग साइट्स भी है, लास्ट टाइम हमने देखे थे, तो उससे लोगों को ना उसका कम खर्चे में वो आराम से रह सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। बाय द वे मेरा एक दोस्त है यहाँ से, एक सब्सक्राइबर है, उसका भी ना अपना कैंपिंग साइट इस साल चालू करना है। वो बोल रहा था कि जिसका जिस दिन उसका ओपनिंग होगा तो आप ज़रूर आइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बस ऐसा हो कि छुट्टी हो, ऑफिस ना जाना हो उस दिन, तब जाके हम लोग आएंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। भाई ये देखो यहाँ पे वाटर का कलर क्या खूबसूरत है, और पहाड़ देखो भाई क्या अलग चीज़ है। अगर आपको दिखता होगा वो था पुराना रोड, मज़ा था, मगर उसमें भी हम एक दो बार गए हैं, उसमें 2014-15 में गए हैं। और ये जी ले ले मज़ा, झील का, लेक का, लोग अक्सर इसको लेक कहते हैं बट ये लेक नहीं है, ये है किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम जो आगे लगा हुआ है और पानी जो है वो पीछे तक चला जाता है। ऐसी जगहों पे थोड़ा एहतियात के साथ चलना चाहिए, जहाँ पे सीन्स अच्छे मिलते हों आप सीन्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ से ख़तरा होता है फिर एक्सीडेंट वगैरह होने का। वो देखो जी वो है गुरेज वैली, और यहाँ से मज़ा आता है जी फोटोज़ लेने का, तो अक्सर मैं यही रुका करता हूँ। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं खोपरी में, ये आप डैम के ना व्यूज़ चेक करें, बहुत मज़ा आया। रानी आप थके तो नहीं, मज़ा आया सच बोलो? ठीक है, तो और यूसरा ने भी बहुत एंजॉय किया आज की राइड, हम लोग ने साथ में सैडलिंग भी की, ज़बरदस्त ऑफ रोड किया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ मैं प्रेफर करता हूँ अक्सर लोगों को कि यहाँ आके फ़ोटोज़ ले लो, क्योंकि यहाँ पे गुरेज वैली ना अच्छे से दिखती है और फ्रेम आपके ज़बरदस्त आते हैं, रादर देन वहाँ से फ़ोटो लेने के। अगर आपको लेने फ़ोटो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के फ़ोटो ना बहुत ज़बरदस्त। तो फिलहाल बच चुके हैं 1:30 और हम लोग राजदान पहुँचेंगे, हम लोग दावर पहुँचेंगे, दावर में खाना खाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि आज हम कहाँ स्टे करेंगे। बाबर भाई और मैं यहाँ 14 अगस्त को आए थे, यहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। और इससे भी खूबसूरत एक और जगह है जहाँ पे ना कैंपिंग के लिए आप जा सकते हो, अगर आज वहाँ चांस मिला हमें जाने के लिए तो मैं आपको वो डेफिनेटली वो जगह दिखाऊंगा। ये है जी गुरेस, वाह जी। एक बात है, यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, वैलीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे यहाँ आता है, पता नहीं क्यों। चलो जी अपना सफ़र ऑलमोस्ट डन, और ये है जी किशनगंगा का लास्ट ब्रिज जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, और हमें जाना है इस साइड में, और वो है जी हब्बा खातून पीक।
जो बहुत फेमस है। इसकी हिस्ट्री यह है कि इस पे जब यूसुफ शाही चक को ना कैद किया गया था मुग़लों ने, तब वो यहीं से आई थी और इसी पे चढ़ के वो मटके में से पानी लेती थी ऊपर। तो एक बार मटका टूट गया और जिसकी वजह से वो पानी सारा जो है ज़ाया हो गया, और इसके तब से लेके नीचे इसके एक चश्मा निकलता, बिल्कुल सफ़ेद रंग का पानी निकलता उसका, बहुत फेमस है हब खातून का चश्मा। मैं तो पर्सनली कभी नहीं गया हूँ, लेकिन सुना है, वहाँ से गुजरा हूँ। आज तो यूसरा का ट्रिप है, आज मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये जहाँ आज डिसाइड करेगी, हम उसी साइड चले जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जब भी आप किसी नई जगह जाते हो तो एटलीस्ट आपको कोई जान पहचान का वहाँ होना चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सके कि आपको कौन सी जगह विज़िट करना है, कौन सी जगह नहीं करना, आपको खाना कहाँ अच्छा मिलेगा, आपका स्टे अच्छा कहाँ मिलेगा। तो यह है दावर का जी मार्केट, मेन मार्केट, और ये है यहाँ की मस्जिद शरीफ, बहुत खूबसूरत। राइट साइड से पड़ता है तुलेल मार्केट, मतलब ये तुलेल नहीं है, इसको कहते हैं तुलेल मार्केट, शायद तुलेल वाले यहीं से शॉपिंग करते हैं, और हम जाएंगे सीधे। हम लोग पहुँचे हैं दावर और अभी हमने यहाँ खाना ऑर्डर किया। ये है रिवर है जहाँ आगे मीट को मतलब रिश्तों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। हम लोग खाना खाएंगे फिर देखेंगे आगे के प्लान क्या। अभी भी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें कहाँ स्टे करना है। हमने रूम ले लिया डाक बंगला में, तो आप देख सकते हो, मैं रूम के थोड़े से आपको नज़ारे दिखाऊंगा। ये है 3 सिंगल बेडरूम और यहाँ कुछ सोफे लगे हैं। ये हमारा सामान है इधर। तो जी फिलहाल हम करते हैं आराम और उसके बाद देखते हैं आगे के प्लान।